झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्ष दलों के विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विधायक अपने अपने इलाके के मुद्दों के साथ सदनम के बाहर भी बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेसी विधायक सुखदेव भगत ने झारखंड में सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 70 लाख से अधिक सरना धर्म के लोग निवास करते हैं, ऐसे में उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए, लेकिन लगातार मांग करने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर जेएमएम विधायकों ने कोल्हान इलाके में चल रहे स्वर्णरेखा परियोजना में आदिवासियों की जमीन डूब क्षेत्र में जाने का विरोध कर रहे हैं। जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ सदन के बाद प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इलाके में सीएनटी एक्ट लागू है, जिसमें आदिवासियों के जमीन को लेना उचित नहीं है। सीडब्ल्यूई सोमा कंस्ट्रक्शन इचा डैम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खंडिका 22 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनुचित क्षेत्रों पर ग्राम सभा से अनुमति लेना जरूरी है जमीन अधिग्रहण के लिए, अतः ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अनुमति लेना जरूरी है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुचित क्षेत्रों पर प्रावधान नियम परिनियम या कोई भी ऐसी चीज़ है उसके बिना सहमति का ऐसे योजना या परियोजना को नहीं बनाया जा सकता है। उसके बावजूद भी इस गांव में इस डैम के निर्माण से 124 गांव डूबेंगे और कम से कम 50,000 आदिवासी परिवार जो है ना समाप्त हो जाएगा। किसान के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के खिलाफ में और पैसा कानून के विपरीत सीएनटी एक्ट के विपरीत किस तरीके से इस योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया, इसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं।